बाद हमारे पास है जीनियस का माउस, मिनी माउस लग रहा है तो बहुत छोटा माउस है। हाँ, ये कंपैरिजन में छोटा माउस है क्योंकि माउस जनरली इससे बड़े होते हैं, और ये कंपैरिजन है, ये छोटा माउस, ये बड़ा माउस, डेल का बड़ा माउस जो रेगुलर साइज का आता है, तुम्हारे पाम के अंदर रेगुलरली अच्छे से फिट होता है, ये थोड़ा छोटा है, पर कॉम्पैक्ट फॉर्म की वजह से वो अच्छे से कहीं भी कैरी कर सकते हैं। और ये क्या है लिखा हुआ है इधर? ये एक्सटेंशन कॉर्ड है उसका। अच्छा अच्छा, जरा दिखाइए कैसे एक्शन होता है। ये एक्सटेंशन कॉर्ड के अंदर ये वाला पार्ट यूएसबी में जाता है, और शायद वो वायर बीच में नहीं आए उसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग की तरह ऐसे ऑटोमेटिकली रिट्रैक्टेबल है ये। अच्छा अच्छा, आप खींचो और उसको एक बार खींचिए। अरे भाई, तो काफी लंबा हो रहा है। अभी एंड को पकड़ के खींचिए, उसके एंड को और माउस को पकड़ के खींच के छोड़ दोगे तो रिट्रैक्ट और वो होता है, यहाँ तक अटक जाता है, वो बीच बीच में उसके ग्रूव्स हैं जहाँ पे वो अटक जा रहा है। तो काफी हैंडी है ये तो यार। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? और यहाँ पे लिखा हुआ है यस पुल फ्रॉम ईच एंड। मैं उल्टा पढ़ रहा हूँ इसलिए थोड़ा तकलीफ हो रही है, मैं अनपढ़ नहीं हूँ। नॉट फ्रॉम द मिडल, वो okay. पूछ रहे, बता रहा तुमको कि एंड से खींचो, बीच में से मत खींचो। ओके, मतलब यहाँ से नहीं खींचो, यहाँ से नहीं खींचो, एंड से खींचो, एंड से खींचना है। और अगर फिर से रिट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे? तो वापस खींचना ही होगा। अब थोड़ा थोड़ा खींचो एंड से, दोनों के एंड से। वो दैट वाज मैजिक, दैट वाज मैजिक। अच्छा माउस है, कैरी करने के लिए बहुत अच्छा है, नॉर्मल यूएसबी पोर्ट है, जीनियस का है। थोड़ा क्या क्या लिखा हुआ है, थोड़ा डर्टी हो चुका है, पर ये तो सब उसके एफसी और सी मेड इन चाइना है। हाँ जी जी, चीनी, इट इज जीनियस माइक्रो ट्रैवलर। नाम ट्रैवलर इसीलिए होगा कि ट्रैवल करने में ये माउस शायद इजी पड़ता हो। इसका बिल्ड कैसा है, मतलब फील कैसा है आपके लिए? फील नॉर्मल प्लास्टिक ही, जो जनरल माइस का रहता है। मतलब प्लास्टिक का क्वालिटी कैसा है? प्लास्टिक का क्वालिटी भी ठीक ही है, ऐसा कोई मैजिकल या कोई खास प्लास्टिक नहीं है। उच्च क्वालिटी का प्लास्टिक नहीं है, नॉर्मल प्लास्टिक ही है। ओके, और बीच में जो रेगुलर रोलर आता है, मेरा खाली एक कंप्लेन है कि ये यूज करने के लिए अगर बड़े हाथ है तो फिर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहेगा, यूं करना पड़ेगा या फिर यूं। अच्छा है, मतलब इसको कैसे भी घुमा सकते हो, वायर टैंगल नहीं हो रहे हैं ना। वो भी एक अच्छा पार्ट है, इसलिए तो ये ट्रैवलर है शायद मेरे ख्याल से। छोड़ दीजिए उसको अभी खींच के, मैजिक, बिल्कुल जादू है।